हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राम राम, सीताराम, जय श्री कृष्ण, जय जिनेन्द्र, शास्त्रीय काल। तो अभी आपको लगता होगा कि ये कहाँ है, हैं? तो हम अभी है, ये हमारा घर जिसने हमने बोला था ना, वो कोर्ट में हम गए थे ये मकान के लिए। तो वो मकान आखिरकार ये लोग खाली करके चले गए। तो अभी हम अंदर जाएंगे और आपको दिखाएंगे सब कुछ कि क्या किया क्या नहीं किया और कैसा है हाउस। तो देखते हैं और आपको दिखाएंगे वो सब कुछ। फ्रंट में से पहले दिखाओ। हाँ, तो देखो ये ना पड़ा है सामान, बहुत कुछ है सर, तोड़ फोड़ के चला गया। तो ये है वो हाउस, बाहर का पहले दिखाते हैं आपको। हाँ, ये देखिए पहले ये सभी का, ये देखो मैस करके ऐसे ही रख के चले गए सब कुछ बाहर। ये बाहर का है। तो देखिए, ये देखिए सब ऐसे ही छोड़ के सब कुछ। और ये देखिए, ये पूरा पेटियो पड़ा है, पूरा पेटियो सब कुछ। और डॉग पू तो उसके तो कोई सीमा ही नहीं इधर। ये पूरा रबिश पड़ा है अंदर, इसमें अंदर देखिए, टेरेबल टेरेबल टेरेबल। तो बाहर से तो हमने ये कलर काम किया था, करवाया था, ये दो दिन दो ना कितने 5-6 महीने हो गए ना, 6 महीने पहले। तो वो तो सब कलर अच्छा लगता है वाइट बाहर से, तो बाहर से, मगर अंदर है ये इधर 3 साल में उसने कुछ, ये देखिए कुछ नहीं किया। और इधर क्लीनिंग तो कभी भी नहीं किया। स्मेल बड्स। लिव इट ओपन। ये देखिए किचन पूरा, सिंक पूरा। इसलिए हम बोलते हैं स्पेशली यूके के लोगों के लिए, तो तुम रेंट पे देते हो तो तुम प्राइवेटली मत दो। क्योंकि ये करना, ये सब कुछ, ये देखा निकाल दिया पूरा, हमने तो भूल की पहले, हमको तो मालूम नहीं था ना, पर ये तो फर्स्ट टाइम था हमारा ये हाउस रेंट देने के लिए। देखो ये सभी छोड़ के चले गए और तोड़ फोड़ के कपबोर्ड और पूरा ब्लाइंड सब कुछ तोड़ दिया। ये है और ये दूसरा रूम, ब्लाइंड सभी तोड़ दिए। हाँ, ब्लाइंड तो ये इधर तो ये सभी सोफा रखे, ये हॉरेबल सब कुछ इधर। फिर ऊपर जाते हैं, देखो ये सभी रबिस। कारपेट बताओ, कारपेट तो क्या है, साल में उसने देखिए ये एक बार भी क्लीन नहीं की होगी। वो यहाँ रहते थे, सोते थे, खाते भी थे। बताओ ये देखिए टॉयलेट का नजारा।
माय गॉड ब्लाइंड तोड़ दे। ब्लाइंड तो ठीक है, ये तो देख। और ये रूम देखो, ये पूरा ऐसा अभी कितने स्किप होगी मालूम नहीं। दो तीन स्किप मंगानी पड़ेगी। और देखिए सब कुछ बिगाड़ के चले गए, ये पड़ा है ऐसा। और ये तीसरा रूम छोटा वाला, इधर भी देखिए ये सभी सामान। कभी क्लीन किया ही नहीं, नहीं। इसकी लाइफ में कभी नहीं किया क्लीन, तो ये है। इसलिए हम बोलते हैं ऑलवेज कि डोंट गिव इट जस्ट प्राइवेटली, राइट, गिव इट थ्रू द एजेंट्स, सो बाद में ये मगजमारी ना करनी पड़े, राइट। अभी ये पूरा हाउस रीडेकोरेट करना पड़ेगा। तो ऐसा है, अभी बुलाया है हमारे हैंडीमैन को, वो आएगा तो पहले लॉक चेंज कर देते हैं ताकि वो फिर से घुस न पाए। वी डोंट नो। तो ऐसा है, तो देखते रहिए, बाद में मिलते हैं। अभी हेलो फ्रेंड्स, तो अभी घर पे वापस आ गए। वो सब देख के कितना मेस किया हुआ है उधर, कितना रविश उधर रखा है, वो और स्मेल, हॉरेबल स्मेल, क्योंकि कुत्ता उसने रखा था, एक कुत्ता रखा था, तीन बिल्ली रखी थी। तो ऐसा है, अभी बस वो हैंडीमैन हमारा जो था ना, केयर होम का हैंडीमैन हमारा जो रिपेयर करता है सब कुछ, तो उसको बुलाया था, तो वो अभी आया है, तो वो अभी रिप्लेस कर देगा लॉक, दोनों तरफ से लॉक बदल देंगे, तो वो फिर घुस ना पाए वापस। वैसे घुसेगा तो नहीं, मगर फिर भी सेफ्टी के लिए, तो वो भी करेंगे। और बाद में अभी स्किप का ऑर्डर करने का है, वो रबिश के लिए, सभी जो रबिश था ना उधर, तो स्किप का ऑर्डर करने का, और बाद में सब कुछ उधर से निकालना पड़ेगा। तो निकालने के बाद फिर सभी रिनोवेशन करना पड़ेगा पूरा, वो वॉलपेपर निकाल के फिर थोड़ा स्कीम करके, प्लास्टर करके, पेंट करके, सब कुछ, किचन का यूनिट सब निकालना पड़ेगा। तो ऐसा है, तो वो करेगा अभी तो, और जरूरत पड़ेगी तो हम भी जाएंगे, तो और हम भी साथ देंगे, तो वो भी आपको दिखाएंगे। और बाद में जब भी पूरा डेकोरेट हो जाएगा फिर भी आपको दिखाएंगे कि वो कैसा और कैसा कैसा अभी किया है हमने। तो बस अभी तो ये पास्ता है, कल बनाया था, तो अभी भूख लगी है, आपको अगर खाने का है तो आ जाइए। बस बाकी और कुछ है नहीं आज, तो ये काम था वो हो गया, तो खुशी है कि चलो मिल तो गया। और अगर नहीं मिलता, आज वो नहीं निकलता, तो फिर हमको बेलिफ के लिए अप्लाई होना पड़ता कोर्ट में, तो फिर दूसरा 15 दिन लग जाता, तो मेरे ख्याल से क्रिसमस आ जाता तब तक। तो अच्छा है कि वो निकल गया। तो थैंक्स गॉड। और बस मिलते हैं बाद में, तो बस बने रहिए हमारे साथ और कल मिलते हैं बाद में। तो टेक केयर, आप अपना ख्याल रखिए और मिलते हैं। बाय बाय।